बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, यूट्यूब पर सास बहू का सीरियल देख रहा हूँ। अरे बहू, दिन भर मोबाइल चलाती रहेगी तो खाना बनाना, बर्तन मांजना, ये सब काम तेरी माँ आके करेगी क्या? देखो माँ जी, मैं कोई आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो सर्कस के बंदर की तरह आपकी उंगली पर नाचूंगी। आपको जो भी कहना है मुझसे कहिए, खबरदार जो मेरे माँ बाप को बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बहू, तू घर के काम काज नहीं करेगी तो तुझे मैं नमक लगा के चाटूंगी क्या? मैंने बोल दिया ना, कोई काम नहीं करूंगी। अरे ये कैसी बदतमीज बहू मिली है, कोई काम ढंग से नहीं कर सकती और कुछ बोलो तो खाने को दौड़ जाती है। आने दे मेरे बेटे को, आज तेरी शिकायत करूंगी और मार भी खिलाऊंगी। हाँ आने दो माँ जी, मुझे भी डर नहीं लगता। अरे देख आ गया मेरा बेटा। अरे बेटा देख तो बहू कब से मुझसे बदतमीजी करी जाती है और कुछ काम बोलो तो मुझसे मारने के लिए दौड़ जाती है। क्यों नेहा, तू माँ से बदतमीजी की और इससे झगड़ा कर रही है? आज तुझे मार मार के हड्डी पसली एक कर दूंगा। देखो जी, मैं कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारे हर इशारे पर हाथ बांधे खड़ी रहूंगी। और ये मत बोलो मेरे पापा ने 5 लाख रुपए देकर खरीदा है, अब मैं नहीं तुम्हें मेरे इशारे पर नाचना पड़ेगा। अरे नेहा, तुम भी क्या घर के बातों को उजार रही हो? वो 5 लाख तो हमने दहेज के रकम लिए थे, और भी दहेज लेना तो गलत बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लड़की का बाप जितना दहेज देता है उतना लेना गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार दहेज मांगना लूटना गलत बात है। अरे क्या बात है पारो, लगता है सदियों बाद तुम नहाई हो और पीले सूट में तो तुम कयामत लग रही हो, कयामत। अरे गुस्सा मत करो जानू, मैं तुम्हारा पुराना आशिक हूँ। कौन सा आशिक और कैसा आशिक, मैं तो तुझे नहीं जानती। और हर कोई ऐसा रास्ते पर आके जानू बोल दे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? इसका मतलब तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती। देख तू कोई अंबानी अंजाड़ी नहीं है, मैं तुझे जानू। ऐसी बात करती हो, रानी अंबानी और अंजाड़ी भी मुझे देख कर लार टपकाते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं और हमको अपने घर ले जाकर चुम्मा चाटी करते हैं। देख तू घुमा फिरा के बात मत कर, मेरे पास टाइम नहीं है, अब सीधा सीधा बता दे है तू कौन। याद करो वो दिन जब तू 3 साल की थी और मैं 5 साल का था और तुम सही से चड्डी पहनना भी नहीं सीखी थी। तब हम लोग साथ में हगने जाते थे और हम दोनों वहीं बैठकर टिक टिक पत्थर बजाते थे। अच्छा अब समझ में आया, तू पास वाले मिश्रा अंकल के नायक बेटा है जो बचपन में प्यास लगने पर मुछ कर खुद ही पी जाता था। हाँ रानी, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। अब याद करो वो दिन जब हम पहली से लेकर हम 8वीं क्लास तक पढ़े थे और तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी। तुम मुझसे वादा किया था मैं बड़ी हो जाऊंगी तो शादी करूंगी। अरे कमीने, ऐसे कैसे बसा लूं तेरे साथ घर? ये शादी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, उसके लिए घर परिवार गाड़ी बंगला और पैसा और लड़का सरकारी जॉब करता है कि नहीं ये सब देखना पड़ता है। अब तुम भी कान खोलकर सुन लो, मैं भी ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। हमारे परिवार पूरे 10 बीघा में फैला हुआ है और गांव से लेकर शहर तक सभी मेरे दीवाने हैं। और सबसे खास बात तो ये है, मैंने भी पुलिस इंस्पेक्टर के लिए एग्जाम दिए हैं और बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आने वाला है। और तुम भी कान खोलकर सुन ले, हमारे परिवार भी 20 बीघा में फैला हुआ है और तेरे पास तो कोई जॉब भी नहीं है, इसीलिए मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी। अरे बेटा तू घर चल, तेरी तो जॉब लग गई पुलिस इंस्पेक्टर में, अब तू आम इंसान नहीं रहा। ये तो बड़ी अच्छी खबर है पापा, चलो चलकर मोहल्ले वालों को पूरा गांव में मिठाई खिलाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा और मेरा प्रोफाइल में आप लोग रोज एक वीडियो देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, सी यू। बड़े दिन के बाद आई है होली, ससुराल कब से मुझे इंतजार था इस दिन का, आज मैं जीभ भर के पीऊंगा, किसी के पिछवाड़े में है दम जो मुझे बोलेगा। ये क्या जी, आज होली के दिन सड़क पर बैठकर तमाशा दिखा रहे हो? आज तो कम से कम
घर पे बैठ के तो पी लेते। तेरी माँ की आँख साली, तू मुझे फालतू का प्रवचन न दे। अपने पॉकेट में से 500 की पत्ती निकाल कर दे, आज मैं जी भर के पीऊंगा। ध्यान से पापा, यहाँ पुलिस वाले भी घूमते हैं, पता लगे आकर तुम्हें उठाकर ले जाए थाने, फिर तुम्हारी पुलिस के सामने बन जाएगी होली। अरे पुलिस वाले माँ को सलाम, मैं कोई उनके पैसों को थोड़ी पी रहा हूँ, जो मुझे उठाकर ले जाएंगे, मैं तो अपने लुटाई के कमाई के पी रहा हूँ, और मेरे जितनी भी सेटिंग है सबको बारी बारी रंग लगाऊंगा। तू चल बेटा, पड़ोसी अंकल हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें चलकर उनको भी रंग लगाना है। क्या बोली तू, पड़ोसी को रंग लगाएगी, अपना मुंह काला करवाएगी? हाँ मैं लगाऊंगी, और अपना मुंह काला नहीं लाल गुलाबी कराऊंगी। अरे पापा बुरा न मानो, होली है। अरे नालायक, तू मेरा औलाद है या पड़ोसी की, कल से तेरी माँ किसी दूसरे के साथ भाग जाएगी तो मैं भी बुरा नहीं मानूंगा। अरे पापा आप भी तो अपनी सेटिंग के रंग लगाने को इंतजार कर रहे हैं। अरे तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जल्दी से खाना बना लो, खेतों में भी चलना है। क्यों जी, अभी तो 8 बजे हैं और हमारा खाना खाने का टाइम तो 11-12 बजे का है। अरे बहू तुझे नहीं पता, हमारे खेत में सरसों पक गए हैं, उसे काटने चलना है, और हम किसान लोग हैं, अगर 11-12 बजे खाना खाएंगे तो काम कब करेंगे? देखो जी माँ जी, मुझे खेत में लेकर जा रही है, मैं नहीं जाऊंगी खेत में, इतनी तेज धूप है, काम करने पर मैं काली पड़ जाऊंगी। अरे मेरी प्यारी प्यारी दुल्हन, हमारा गुजारा खेत से ही होता है और हमें काम करना ही पड़ता है। ऐसा है, मजदूर लगाकर काम करवा लीजिए, मैं नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। अरे ये कैसी बदतमीज लड़की है, कब से बकबक बकबक की जा रही है, मजदूर लगवा कर काम करवाएंगे तो उसका पैसा तेरा बाप देगा क्या? देखो मेरी दायन सासू माँ, मुझसे बहस ना करे वरना मैं आपकी चोटी पकड़ कर घसीट कर नाली में फेंक दूंगी। अरे बेटा ये बहू तो पागल है, बंदर की तरह उछल कूद कर रही है, अगर अभी ज्यादा बोलेगी तो मैं इसकी जवान खींच लूंगी। अरे बाबा ये क्या कर रही हो तुम दोनों, सास बहू का रिश्ता माँ बेटी के समान होता है, फिर तुम क्यों झगड़ रहे हो?